TEDx is a fantastic platform for speakers and the exposure is great. You are आप जो दिल की बातें लोगों से कहना चाहते हो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत ही अच्छा है एंड आई एम हम्बल्ड एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे केसी कॉलेज ने आज यहाँ बुलाया है फॉर TEDx एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट शेयरिंग मोमेंट फॉर मी विद द स्टूडेंट्स ऑफ केसी कॉलेज. आप पैनल डिस्कशन अटेंड करने आए जितने हमें मालूम पड़ा है, किस तरह का पैनल डिस्कशन होने वाला, कितना रिसर्च किया आपने? पैनल डिस्कशन नो, आई एम नॉट हियर फॉर अ पैनल डिस्कशन. आई एम नॉट हियर फॉर अ पैनल डिस्कशन. आई एम जस्ट हियर फॉर एन काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल टॉक. या कॉलेज में आए हैं, कॉलेज की कुछ मेमोरीज हमसे शेयर करते हैं, कितनी ताज़ा हुई मेमोरी? मेरा कॉलेज इधर ही था, पिछली गली में, जय हिंद में. तो आके ऐसे लग रहा है कि उसी एटमॉस्फेयर में वापस आ गई हूँ. हालांकि चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन मैं वैसे की वैसे ही हूँ. अच्छा लग रहा है. कितना मिस करती कॉलेज? मैं मेरा बचपन बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मेरा बचपन मेरे से गया नहीं है. मैं अभी भी बच्ची हूँ दिल से. हाँ, क्योंकि आज के टॉक में आपको पता चल जाएगा अगर आप अटेंड कर रहे हो तो, कि काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में अदर दैन जस्ट शूटिंग एंड बॉलीवुड जो मैं कर रही हूँ. और इसके अलावा अभी बॉलीवुड में वापस कम बैक है, वेब सीरीज़ भी है, डिजिटलाइजेशन इज़ इन, तो बहुत सारे वेब सीरीज़ बन रहे हैं. तो उसमें भी काफ़ी बालाजी ऑल्ट का एक वेब सीरीज़ अभी मैं शूट करने जा, शूट तो स्टार्ट हो ही गई है. आई थिंक एनी टाइम नाउ रिलीज़ भी होगी. या फिक्सर के बारे में बात करूँ, सभी लालू वाले भी डेब्यू कर रहे हैं आपके साथ, थोड़ा सा अगर कुछ मिल जाए तो फिर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यू लव टू के साथ में? हाँ, यू लव टू इंटरवीन बिकॉज इट कैन गो ऑन. फिक्सर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो कैरेक्टर है वो एक कॉप का है और बालाजी के साथ ये सेकंड टाइम होगा दैट आई एम प्लेइंग अ कॉप और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पहला जो कॉप मैंने प्ले किया था वो क्या कूल है में था, उसमें इट वॉज अ कॉमेडी फिल्म. ये एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें मैं कॉप प्ले कर रही हूँ. सभी डालो वाले किस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ?